button. Press the bell icon for no. मैम क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, छोटे पर्दे के बाद अब फिर से रुक किया आपने बड़े पर्दे की तरफ, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले किरदार के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पे आना जाना मेरा लगा रहता है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर दूं कि मैं काफ़ी वो करती हूँ स्विच। इस किरदार में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बहुत अरसे बाद टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा एक हैवी करना पड़ता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे कुछ भी, कॉमेडी हो तो ओवर द टॉप जाएंगे। यहाँ पर ये था कि बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही जैसे घरेलू लोग, जैसे अपने घर में होती हैं चीज़ें कि मियाँ बीवी अगर बैठ के बात कर रहे हैं या ट्राइंग टू कि भाई बहू और बेटे का कुछ झगड़ा चल रहा है या दो बहुओं का झगड़ा चल रहा है तो हाउ डू वी सॉल्व इट। सो इट वॉज़ वेरी नेचुरल एंड वेरी नाइस। और जो कॉमेडी जितनी भी है और जितने भी आर्टिस्ट हैं, आज मैं बहुत मिस कर रही हूँ उन सबको, कि आई विश रानी जी और बाकी सब मुश्ताक और वगैरह सब होते साथ में तो इट वुड हैव बीन अ वंडरफुल थिंग। बट एनीवेज वो लोग नहीं होते हुए भी बहुत बड़ा हिस्सा है इस फिल्म के और बहुत प्यारा काम किया सब ने और बहुत अच्छी लिखी हुई है, बहुत हल्की फुल्की फिल्म है ये। तो इफ़ इट इज़ नॉट रिटन वेल एंड इफ़ इट इज़ नॉट डायरेक्टेड वेल तो वो सारा ख़त्म हो जाता, आर्टिस्ट कुछ नहीं कर पाता। सो आई डेफिनेटली गिव द, मैं श्रेय देती हूँ शाहिद और राइटिंग जिसने, शाहिद ने और बाकी लोगों ने जो की, कि बहुत अच्छी और सरल, बहुत प्यारी मीठी सी फिल्म है ये। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने पहले बताया। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने वहाँ के लोकल आर्टिस्ट के साथ काम किया एंड हमको लगा था कि न्यू कमर्स हैं, मगर जैसे काम करना शुरू किया तो हमको लगा है तो काफ़ी मजे ही वो कलाकार, दे आर फ्रॉम टेलीविजन, वहाँ पर टीवी में काम करते थे, स्टेज पे काम करते हैं और दे वर रेडी। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल न्यू, इसलिए क्या हुआ कि बजा 20 दिन के ये फिल्म 12-13 दिन में कंप्लीट हो गई, बिकॉज देर ऑल प्रिपेयर्ड एंड और हमको भी उनको देख देख के जल्दी जल्दी प्रिपेयर करना पड़ा। हमको लगा भाई पहला सीन हो गया, दूसरा सीन लाइए हमको, तो हमको लगा ये सब रेडी आर्टिस्ट थे और आई थिंक इस फिल्म से काफ़ी लोगों को पहचान मिलेगी। हमको तो अच्छा लगा, चैलेंज था, पर उनके लिए भी अच्छा लगा कि हम इंटरेक्शन हुआ फ्रेश लोगों के साथ काम करने से, बहुत मजा आया। आई एम रियली ग्रेटफुल। सर, आपने बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, शाहिद के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या खासियत है शाहिद भाई? नहीं, बिल्कुल जैसे कि इन्होंने शगुफ्ता जी ने बताया, क्योंकि ऐसा था कि इन्होंने हमको बांध के नहीं रखा। जब सीन दिया तो बोले देखिए सीन ऐसा है, आपको अगर कुछ जोड़ना है कुछ करना है तो इस आदमी की अप्रोच फ्रेश थी। जो कई लोग बड़े वो पक्के होते हैं कि नहीं हम तो आपको ऐसे ही हिलना है, वैसे ही करना है, चार कदम चल के निकलना है फिर पीछे आना, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने बोला कैमरा ये रहा, ये सीन आपके सामने, मेरा कंसेप्शन ये है। तो ये हर सीन में इनकी अप्रोच बड़ी फ्रेश लगी, विच इज़ एडमिरेबल, जो मुझे लगा कि ये अपने रूढ़ीवादी डायरेक्टर नहीं, फ्रेश डायरेक्टर है बिल्कुल। जो ट्रेडिशनल डायरेक्टर होते हैं ना वो अड़ जाते हैं, अड़ते नहीं थे उसमें क्या, इसलिए आपको लगेगा हर एक का परफॉर्मेंस बड़ा नेचुरल है, जैसे स्पॉन्टेनियस। मैम आपसे जानना चाहूँगा, दोनों मीडियम में आपने काम किया, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, कौन सा मीडियम सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है? देयर टू वेरी डिफरेंट मीडियम्स, वेरी डिफरेंट। यू गेट मॉडलिंग, इट्स टोटली डिफरेंट। आप सीरियल्स कीजिए, बिल्कुल अलग माहौल है, जो मेरे ख्याल में बिगड़ता जा रहा है थोड़ा, जो ऑनेस्ट कन्फेशन है मेरा कि मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो बिहेवियर, या जो भी चल रहा है आजकल ट्रेंड टेलीविज़न का वो थोड़ा चेंज हो, क्योंकि पुरानी स्कूल के हैं हम लोग तो थोड़े वैसा चाहते हैं कि वैसे सब चीज़ें हों। तो मेरे लिए मतलब तीनों अलग चीज़ें हैं। अगर मैं मॉडलिंग कर रही हूँ तो वहाँ पर बिल्कुल अलग हिसाब से काम होता है, फिल्म्स का टोटली डिफरेंट है, सीरियल्स का तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो देर ऑल थ्री फोर डिफरेंट मीडियम्स एंड वन हैज़ टू, हम लोगों को बस हर जगह जाकर वो मिक्स होना पड़ता है भजियों की तरह ना, कि जब तक के आलू और सब प्याज और बेसन सब मिलेगा नहीं तो भजी अच्छे बनेंगे नहीं, वैसा वाला हिसाब है। सो वी हैव टू मोल्ड आर सेल्फ दैट वे, कि हम सीरियल कर रहे हैं तो उस तरह का माइंड बनाना पड़ता है कि हाँ रोज़ भाई ऐसे करना है, 9 to 9 ये करना है। फिल्म्स का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो आई स्टिल कैन नॉट, इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव नॉट येट यू नो कम्बाइंड और ट्राई टू गेट टूगेदर फिल्म्स एंड सीरियल, दे आर टोटली डिफरेंट टू मीडियम्स। Absolutely correct. What is your take on that? Because
the government also not interfere in this matter? They should, because I was in Sinta, one of the executive committee members, and all the 4 years that I was there in the committee, we used to keep fighting for all these rights, you know, ke ek to hygiene nahi hoti set pe, makeup rooms are very bad, things are taken for granted, ke matlab aap 9 ki shift mein aapko 8:30 baje pahunchna padega, nahi bhai 9 ki shift mein to hamari aadat hai 9 baje pahunchne ki, to unke liye wo aadha ghanta pehle nikliye, phir then the working hours are too much of a stressful job, which is not in films is like 9 to 6 कर लिया, 2 to 10 कर लिया, so somewhere we get that breathing space. सीरियल में आपको ना breathing space नहीं मिलता जब तक कि आप लीड रोल ना कर रहे हो. लीड रोल कुछ भी कर सकते हैं, जो लीड में हैं वो 2 घंटे का लंच ब्रेक भी ले सकते हैं, लीड रोल जो हैं वो फ़ोन पे लगे रह सकते हैं आधा पौना घंटा. तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, ये जब हमने टेलीविज़न शुरू किया जी के साथ, तब से लेके अब तक में बहुत ऐसा है, बिहेवियर पैटर्न जो है बिल्कुल लो होता चला जा रहा है, बिकॉज दे डोंट लिसन टू द डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स वो हो गए हैं जो असिस्टेंट हुआ करते थे पहले, तो उनको एकदम से डायरेक्शन मिल गई है, तो उनको लगता है कि हम लीड रोल को जो लीड पेयर जो है ना उनको खुश रखें, वो खुश रहें बस. तो वो चीज़ जो है वो टेलीविज़न की इज़ नॉट राइट एट ऑल. वो अप्रोच जो I have faced a lot of problems where senior actors like me or some people with me are there, और बाकायदा यहाँ इतने डिस्टेंस पर अगर आप बात कर रहे हैं तो आई वुड नॉट बी एबल टू डू माई सीन, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी. तो आई एम लाइक वेरी पोलाइटली आई सेड साइलेंस प्लीज. इतनी दूरी पर खड़े हैं, फिर मैंने कहा 5 फुट के, फिर वो रिहर्सल की लाइन की, अब लाइनें मुझे याद हैं सब है, वो खामोशी नहीं हो रहे, 2 आर्टिस्ट जो हैं लड़कियाँ खड़ी हुई बातें करे जा रही, कर जिन दिस इज ऐसा, व्हाट इज़ योर लिपस्टिक शेड, व्हाट इज़ योर आई शेडो कौन सा लिया था तूने. देन आई हैड टू बी शगुफ्ता अली. ठीक है, आई नो माई नेम इज़ इन दैट वे पीपल टेल मी दैट शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट और बड़ी खड़ूस है. वो है खड़ूस इसलिए हूँ कि मेरे हिसाब से हमारे पुराने तमीज़ तहजीब के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं आप. अगर आप वैसे करते होते तो मैं खड़ूस नहीं बनती, ना मैं आपको डांटूँ. वहाँ खड़ी हुई फाइनली मुझे उन दोनों लड़कियों को डांटना पड़ा कि प्लीज़ विल यू प्लीज़ शट अप, विल यू प्लीज़ गो टू योर मेकअप रूम्स एंड डू ऑल दिस जॉब, आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इन माई वर्क. वेर एज फिल्म में ऐसा नहीं करना पड़ता, मुझे कभी नहीं ऐसा महसूस हुआ फिल्म की शूटिंग में. अभी जैसे मैंने लास्ट ईयर इम्तियाज़ अली साहब की फिल्म की थी, साजिद अली उनके जो भाई, उन्होंने डायरेक्ट की थी लैला मजनू, तो वहाँ पर बिल्कुल महसूस नहीं हुआ. बड़ा अच्छे से हमारा काम हो रहा है, सारे आर्टिस्टों को लाइनें याद है, नहीं याद है तो रीडिंग कर लीजिए, कोई ऐसा नहीं कि कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है. इन टेलीविज़न इट इज़ एक पॉइंट जैसे बहुत तारीफ की बात समझ रहे हैं ये लोग, कि बहुत अच्छी बात है डिस्टर्ब करना आर्टिस्ट को, या पीछे खड़े होके ऐसे देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं. तो मैं वही पूछ लेती थी शॉर्टकट करके, इन बिटवीन आई वुड जस्ट शो माई हैंड एंड सेड क्यों हंस रहे बेटा आप लोग, कोई वी आर लुकिंग फ़नी, अभी एक्टिंग फ़नी, बड़ा सीरियस सीन चल रहा है, आंखों में ग्लिसरिन घुसेड़ घुसेड़ के आंखें लाल हो गई हैं, आप वहाँ खड़ी होकर मुस्कुरा रही हैं, कुछ कुछ आप बोल रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें बड़ी छिछोरी सी हो गई हैं. तो वो मेरे ख्याल में जब तक के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कोई मिलकर ये लोग ना बोलें कि भाई इस तरह का एक माहौल होना चाहिए सेट पर, ना कि ये कि फ़ोन पर हर इंसान फ़ोन पर लगा हुआ है, मतलब एक के बाद एक आदमी नहीं छुटता तो लाइट मैन वहाँ पर बात कर रहा है, वो लाइट मैन नहीं बात कर रहा है तो मेकअप मैन बात कर रहा है, विच इज़ सो वेरी इरिटेटिंग. हाउ डू वी कॉन्सेंट्रेट टेल मी. डिड यू फील एनी आर्टिस्ट हु फील दिट हैज डन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, आर्टिस्ट टेलीविजन मेन आर्टिस्ट ही शुरू करते हैं तब तो उनको मिलती है ना शेयर मिलती है. आर्टिस्टों का क्या नाम लेंगे, बेचारे इंडस्ट्री से बाहर मिलेंगे आपको फिर. I can name them, but there is no point in taking their name. It is a message to all the artists. जितने नए लोग हैं सबके लिए है ये message कि please, you know, थोड़ा तमीज़ और तहजीब से काम किया जाए. हम बहुत different एक profession है हमारा, office का माहौल नहीं होता है हमारे यहाँ. हम जब shooting कर रहे हैं तो it's a total different atmosphere है all together. तो थोड़ा तमीज़ और उसके साथ काम किया जाए तो कभी बेटर. बेशक दे डोंट वांट टू से गुड मॉर्निंग और हाय इन द मॉर्निंग इफ वन एंटर्स,
अगर वो नए हैं कि भाई अभी 6 महीने ही हुए उसको आपके इंडस्ट्री में या 8 महीने ही हुए, तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स वी लर्न एट होम एंड इन स्कूल. कि वैन एल्डर्स कम टू यू, यू आर सपोज टू से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, वट एवर, हाई, हेलो, और कुछ नहीं तो यो ही कर दो. अगर इतना मॉडर्न हो तो यो कर दो, तो यो कर दें हम तुमको. लेकिन है एक वो बात आ गई आर्टिस्टों में, दे डो नॉट मतलब गुड मॉर्निंग कहना भी उनको गवारा नहीं है. मैम, वन लास्ट क्वेश्चन, इन बिहार आल्सो 100 चिल्ड्रन डाइड, डेथ हुई है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप बेटा एक जगह की तो बात है ही नहीं, इसे बिहार में ऑल ओवर एवरीवेयर इट इज़ द सेम थिंग कि गरीब बहुत मारा जा रहा है और हम जैसे लोग जो हैं वो सिर्फ अफसोस करके रह जाते हैं, चाहे वो टेलीविज़न के थ्रू हो, चाहे वो किसी और मीडिया के थ्रू हो, चाहे प्रेस हो, कि भाई हम इतना बोलते हैं बहुत अफसोस हुआ, इट्स वेरी सैड, लेट देम रेस्ट इन पीस. नो, वी हैव टू डू बिगर. द पीपल हु आर पावरफुल, दे आर सपोज टू डू समथिंग अबाउट इट, यू नो, बिकॉज सिर्फ बातें करके रह जाना, मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया कि अरे मुझे बहुत अफसोस हुआ, दिली अफसोस ये होता है कि देखते वक्त ही हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि यार वॉट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड इंडिया, ऑल ऑफ अस. बॉम्बे को देख के रोना आता है, हम बॉम्बे में पले बड़े हैं, पैदा यहीं हुए हैं, वी सी द रोड्स एंड वी सी द कंस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग, एवरीबडी इज सिक, व्हेन यू गो टू द डॉक्टर, बच्चों को ग्लूकोज लगा हुआ है. सो ऑल ओवर आई एम टॉकिंग अबाउट कि इट इज़ एवरीथिंग इज़ ट्रैजिक फॉर अस नाउडेज, कि हम ट्रेजिडी से ज़्यादा और नो हल्की फुल्की चीज़ों से कम हमारा वास्ता पड़ रहा है. दैट्स व्हाई द फिल्म लाइक शादी के पता से इज़ लाइक इट वॉज अ रिलीफ फॉर मी एंड असरानी जी काइंड ऑफ पीपल, लाइक यू नो कि ओह गॉड, बॉम्बे की वो भीड़ और भड़का और इतनी पोल्यूशन से हम दूर आके वहाँ गाँव में आराम से शूट करें. वी यूज़ टू इन्जॉय द थिंग. वो चारपाई पे मतलब खाना खा के मैं ऐसे सोती थी जैसे घोड़े बेच दिए मैंने, विच आई कैन नेवर स्लीप हियर इन बॉम्बे. सो इट इज़ सैड ऑफ कोर्स बिहार के जो बच्चों की हालत हुई है, एंड सो मैनी ऑफ देम. तो अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी कि मैं ये सब चीज़ें कम हो क्या, ख़त्म हो जाएँ ये सब चीज़ें, सब खुश रहें, सब हेल्दी रहें. एवरीबडी डेफिनेटली वॉन्ट्स टू बी हैप्पी एंड हेल्दी. सो माई प्रेयर फॉर एवरीबडी, मैंने रमज़ान में भी यही प्रे किया कि रोज़े रख के अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सबको सेहतमंद रखे. और जो हमारे पे आफतें आई नहीं है, ये बोलते हैं ना दूसरे लोगों की वजह से जो आफतें आई नहीं है, वो कम. अरे छोड़ो यार, आई हेट दिस क्रिकेट. मैंने देखी नहीं बेटा, मेरे पास पैसे ही नहीं थे. ईदी देने में चली गई ना, तो मेरे पास था ही नहीं. दी किसी ने नहीं ईदी मुझे, मुझे देनी पड़ी सबको ईदी, तो मेरे पास पैसे नहीं थे. तो मैं भारत कहाँ जाकर देख दिया, इन और आईनॉक्स में एक्सपेंसिव टिकट, 400-500 टिकट, तो मेरे जैसे आदमी तो नहीं भाई अफोर्ड कर सकता. सो आई डेंट सी, सो आई डोंट नो वट भारत इज़ ऑल अबाउट. इस फिल्म का राइटर भी हूँ और मैंने इसमें वन ऑफ द मेन लीड करेक्टर प्ले किया हुआ. और जब मैं इस फिल्म को लिख रहा था तो लिखते लिखते मतलब जब मुझे पता चला कि असरानी जी और वो शिव गुप्ता जी कर रहे हैं करेक्टर, तो मैंने जिद कर ली डायरेक्टर से कि मुझे ये करेक्टर करना है. और प्रोड्यूसर साहब का कॉन्सेप्ट था, इन सब से मिल के मैंने अपने करेक्टर को लेकर डिमांड किया और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने करेक्टर किया. हाँ देखिए जी, देखिए ये कॉन्सेप्ट था मेरे जहन में, मैंने कॉन्सेप्ट शायद जी को सुनाया. तो पहले प्लानिंग नहीं थी फिल्म मेरा प्रोड्यूस करने की, तो मैंने कॉन्सेप्ट शायद सर को सुनाया, तो हमने स्क्रीन प्ले इसका इन्होंने लिखा, अच्छा डायलॉग्स लिखे, तो फिर मुझे लगा नहीं करनी चाहिए फिल्म. तो ये कॉन्सेप्ट था एक जहन में, फिर मैंने इनको समझाया, तो फिर ये जो फिल्म बनी आगे आकर मैं फिल्म का हिस्सा बनी. फिल्म में जो खास बात है, एक वहाँ के कल्चर जो इम्पोर्टेंट कल्चर है वहाँ के, एक कश्मीरी कल्चर है, एक डोगरा कल्चर है, तो दो फैमिलीज की कहानी है उसमें. जो वहाँ का कल्चर है उन दोनों के बीच में जो नोकझोंक रहती है, वो एक फैमिली ड्रामा, वो सारी चीज़ें जब आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा. एक कल्चर, एक ब्यूटी, एक सिंपलिसिटी है वहाँ की, तो ये सारी चीज़ें जो है जो अट्रैक्ट करती हैं एवरी इंडिविजुअल को. तो जब आप किसी एरिया का कोई कल्चर देखते हैं तो आपको नेचुरली अट्रैक्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें. एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है, असरानी जी एक लेजेंड है इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो.
उनके साथ काम करने का जब उन्हें सुना ही था तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, नर्वस भी थे। जब वो लोग सेट पे आए तो बहुत कुछ सीखने को मिला हमें उनसे। और ऋषि गुप्ता जी ने बहुत सारे सीरियल्स किए हुए, तो उन्होंने मेरे मदर फादर का रोल प्ले किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, शाहिद जी ने अप्रोच किया था जब मुझे बताया गया कि ऋषि गुप्ता जी और असरानी जी है, तो बहुत खुशी हुई मुझे, तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई एज अ प्रोड्यूसर भी, और छोटा सा एक्ट भी किया मैंने इसमें, तो एज एक्टर एज प्रोड्यूसर में बहुत खुशी हुई कि मैं जो है सीनियर एक्टर से कैसे काम कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है और सीनियर एक्टर से खुशी हुई पैसे लगाने में, कैसे रानी जी के साथ लगा रहा हूँ। फिल्म के बारे में एक्चुअली एक हमारे जम्मू कश्मीर के दो कल्चर हैं अलग अलग। अभी तक सबको ये पता है कि जम्मू कश्मीर से कोई भी आता तो हर कोई जानता है कि कश्मीरी है, बट जम्मू कश्मीर में दो कल्चर है, एक डोगरा कल्चर है जो बिल्कुल नॉर्थ पंजाबी स्टाइल का कल्चर है। तो ये दो कल्चर की जब फैमिलीज़ मिलती हैं उसके बारे में है, थोड़ी फ़नी चीज़ें होती हैं क्योंकि पंजाबी और कश्मीरी बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के, तो उसके बारे में एक स्वीट सी कहानी है जो एक्चुअल में रियल कहानी है हमारे एक गांव की, जो मैंने सुनी थी, मुझे अपील की तो मुझे लगा यार मुझे करना चाहिए। शायद सर एक्ट्रेसेस यहाँ पे मिसिंग है इसके लिए, सो सॉरी। एक्चुअली क्या है कि वो एक तो कश्मीर में अभी कल से उनका शूट है फिल्म का, दोनों का, और दूसरा ये है कि वो बेसिकली जम्मू कश्मीर से हैं तो यहाँ है, यहाँ से है नहीं है, तो बट फिर भी वो आ जाती, बट प्रॉब्लम मेन वो है कि उनका शूट है वहाँ पर फिल्म का, वो भी एक रीज़न है कि वो नहीं आ पाई, तो वो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करेंगे जिसका वो यहाँ पे भेज दिया जाएगा। आप बताइए अपने किरदार के बारे में। मेरा जो कैरेक्टर है इसमें वो एक 12th पास लड़के का कैरेक्टर है, विच इज़ वेरी बॉय नेक्स्ट डोर कैरेक्टर, और मेरे लिए बहुत अलग कैरेक्टर करने को मुझे मिला, पोर्ट्रे करने को मिला, क्योंकि मैंने जो नॉर्मली पहले कैरेक्टर्स किए हैं वो थोड़े आप कह सकते हैं फंकी और कोल्ड डूड टाइप के कैरेक्टर्स हैं, बट ये जो कैरेक्टर था ये बिल्कुल ही एक गांव का कैरेक्टर, एक स्वीट सा इनोसेंट सा लड़का है जो कि 12th पास है और उसकी शादी हो जाती है, और इस तरह का कुछ कैरेक्टर जो कि काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए। क्या खास बात लगी आपको फिल्म करनी चाहिए? मुझे जब ये स्टोरी शायद ने नरेट की थी तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, और पहली बात तो ये कि मैंने इस तरह का कुछ भी जॉनर ट्राई नहीं किया है पहले, और ये मुझे बहुत ही अपील किया कैरेक्टर, और यही एक वजह थी कि मैं चाहता था कि इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंटल करना ताकि मेरी प्रोफाइल में भी वो एक अच्छे से ऐड हो जाए, और आई रियली वांटेड टू डू दिस। मुझे लगता है फैमिलीज़ तो चाहे नॉर्थ की हों या गुजरात की हों या कहीं की भी हों, फैमिलीज़ तो रिलेट करेंगी 100%, क्योंकि फैमिली ये हर घर की कहानी है, हर घर में यही होता है, बुरा कोई भी नहीं होता है, बस छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तो हर घर में ये होता है कि एक नई बहू आएगी, कई बार बड़ी बहू और छोटी बहू में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कुछ चीज़ों को लेके, तो उन चीज़ों को हमने ह्यूमर में रखा है, बहुत सीरियस नहीं किया, आगे जाके हल्का हल्का इमोशंस भी हैं, बट ओवरऑल उसको ह्यूमर में रखते हुए हमने वो मैसेजेस भी रखे हैं कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, जो इनकी बड़ी बहू है वो पढ़ी लिखी नहीं है बट वो बहुत अच्छी इंसान है, बट वो मिसगाइड हो जाती है, वो पंगे करने लगती है, नाटक करती है कि यार मैं तो नौकरानी बन गई, वो तो पढ़ रही है और मैं काम कर रही हूँ घर का, तो बट फाइनली उसको भी समझ में आता है कि नहीं यार ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती है, हर किसी का अपना अपना एक जगह होती है और अपने अपने टाइम पे वो अपनी चीज़ें करता है, तो हर घर की कहानी है ये। मैसेज यही है कि एक्चुअली छोटे शहरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, और ये हर जगह की प्रॉब्लम है कि लड़की के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते, कि ठीक है एजुकेशन उनके लिए इतना होता है कि 10th हो गया, 11th 12th हो गया, देन कॉलेज भी जा रही है, अगर सडनली रिश्ता आ जाता है तो शादी हो गई तो ख़त्म, वहीं वो थब्बा लग जाता है, लाइफ ख़त्म पूरी तरह से, फिर आप अपनी पहले माँ बाप के लिए ज़िंदगी जीते हो, फिर उसके बाद आप अपने पति के लिए, उसके और ससुराल के लिए, उसके बाद बच्चों के लिए ज़िंदगी, तो लड़की की लाइफ कहीं रहती नहीं है। तो ये एक लौती एक ऐसी लड़की होती है जो चोरी से सुट्टा भी मार लेती है सिगरेट का, जो मन करता है उसको लड़का पसंद है तो बोल रही है कि यार ये लड़का कितना अच्छा, जबकि उसको पता है वो पीछे पीछे आ रहा है उसके, वो खुद ही उसको प्रपोज करना चाहता है, और एक ऐसी लड़की है जो बिंदास है, उसको पढ़ना है तो पढ़ना है, शादी के बाद पढ़ना है, तो उसके लिए ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, घूम फिर के इंसान वहीं आता है, बट ये है कि पॉजिटिव लड़की है और एनर्जेटिक है, और वो एक मैसेज है, उसके कैरेक्टर जो है वो पूरा एक मैसेज है कि आप एक लड़की अपने लिए कितना स्टैंड ले सकती है, वो भी चीज़ उसके अंदर है, ह्यूमर में है बट है। एक हल्की कॉमेडी फिल्म है ये, थोड़ा सा बताइए आपने ट्रेलर देखा कैसे लगा? ये ट्रेलर देख के बड़ा अच्छा लगा, जैसे कि राष्ट्र असरानी साहब ने कहा कि ऋषि दा की याद दिलाई उन्होंने, ऋषि मुखर्जी जोन की फिल्म है ये, और इस टाइप की फिल्में आप कंपेयर तो खैर उनके साथ नहीं करनी चाहिए, उन कंपेरेटिवली बहुत छोटी फिल्म है, लेकिन हर फिल्म मेकर ने कहीं ना कहीं छोटे पैमाने से शुरू किया है, तो
ڈسکریج کیے بنا یہ بہت ہی اچھا ایفرٹ ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں جتنے بھی کلاکار اس فلم میں موجود ہیں میں سب کو جانتا ہوں, پرسنلی جانتا ہوں, سب نے بہت اچھا کام کیا ہے. اور شاہد کے ساتھ میں اس سے پہلے ایک فلم کر چکا ہوں جو پچھلے سال ریلیز ہوئی تھی, لطیف العادل, اس میں میں نے لیڈ نگیٹو کیریکٹر کیا تھا. اور یہ فلم بہت پیاری ہے, میں نے ایڈیٹنگ پہ ہی یہ فلم دیکھی تھی اور مجھے پسند آئی تھی. اور اسپیشلی دا پرفارمنسز جو لیڈ ایکٹر ایکٹریسز ارجن ہیں, سنم ہیں, طارق ہے, نیہا ہے, اور آف کورس اسرانی جی, شگفتہ جی اور ان کے پیرنٹس حسین بھائی رانی جی, سب نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے. شگفتہ جی نے خود ہی سارے آرٹسٹ کی تعریف کی ہے. سب کے سب منجھے ہوئے کلاکار ہیں. جب بھی بالی ووڈ سے جے اینڈ کے میں کوئی بھی فلم میکر جاتے ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ آرٹسٹ ملیں گے نہیں شاید, یہاں پہ ایکٹرز ہوں گے نہیں شاید, تو وہ موسٹ بمبئی سے ہی آرٹسٹ بلاتے ہیں. لیکن جب میں نے کئی بار کافی فلموں میں یہ بھی نوٹس کیا ہے, میں خود جے اینڈ کے سے ہی ہوں, میری شروعات تو پر کچھ فلمیں کی ہیں ابھی تک میں نے یہاں پہ, لیکن جب بھی وہ فلم میکرز وہاں کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہیں تو دے آر پلیزنٹلی سرپرائز, وچ از گڈ فار دا لوکل انڈسٹری. جو وہاں کی چھوٹی انڈسٹری ہے اس کے لیے بھی اچھا ہے. اور کافی سارے لوگ فلمیں بنا رہے ہیں, ہم نے بھی ایک دو فلمیں بنائی وہاں پہ جے اینڈ کے فلم انڈسٹری کے لیے. اور شاہد کے بڑے بھائی, راحت بھائی, میں, میرا دوست حسین بھائی, ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی انڈسٹری ڈیولپ ہو جائے وہاں پہ. دیٹس آل. ابھی تک ایسا, جیسے کہ سبسڈی کی بات ہے یو پی گورنمنٹ کا جو ہے, اور شاید جھارکھنڈ میں بھی شروع ہوا ہے, مہاراشٹر میں بھی ہے, لیکن اپروچ تو کئی بار کیا گیا. انفیکٹ ہم نے بھی اپنے لیول پہ بات کی کئی بار گورنمنٹ سے کہ کم اپ وتھ سم کائنڈ آف اے سپورٹ فار اس. ہم نے ایک فلم بنی تھی وہاں پہ جسے جے این کے گورنمنٹ اور جے این کے بینک نے بھی سپورٹ کیا تھا, اور فلم میکر واز فرام بامبے, اور ہم نے اسی کا ریفرنس دے کے کہا کہ لائک وی آر دا میکرز فرام جے این کے, تو ہمیں بھی سپورٹ کیجیے. انفارچونیٹلی وہ سپورٹ ہمیں نہیں ملا, تھوڑا سا بینیفٹ ملا, لیکن ان نارتھ اگر ہم دیکھیں کمپیئر ٹو 2 crore 4 crore اس کے مقابلے میں دے وار لائک پینٹس. سو یس, اگر وہاں کی گورنمنٹ چاہے تو وہاں کی بیسک لوکل انڈسٹری ڈیولپ کرنے کے لیے کافی کام کر سکتی ہے. بٹ یہ دیز اے ول دیز اے وے, تو ہم اس کا ویٹ کیے بنا ہی اپنے ایفرٹس لگا کے, چاہے ہم اپنے پیسے لگا رہے ہیں یا مارکیٹ سے پیسے اٹھا رہے ہیں, ہم نے سیدھا انٹرسٹ پہ بھی پیسہ لیا ہے پچھلی فلم کے لیے, اور کئی بار ہم نے ایز این آرٹسٹ فری کام کیا ہے. یو وی دیر واز این ایگزامپل فار دا لاسٹ فلم آلسو کہ ایٹ لیسٹ دیٹس مائی کنٹریبیوشن ٹو دا انڈسٹری, تو دیٹس وٹ. لیکن گورنمنٹ سے ابھی تک اتنا سپورٹ نہیں ملا. یہ میں گورنمنٹ کے بنا پہ بات تو خیر نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ انہوں نے کیا کیا, کیا نہیں کیا اور کیوں نہیں بینیفٹ ہوا, اس کا میں اندازہ نہیں لگا سکتا. ہمیں 8 مہینے لگے اپنی فلم کشمیر ڈیلی جو ہم نے بنائی تھی, اس کو ایک آڈیٹوریم ہمیں چاہیے تھا, تو اسے ہمیں اس پروسیس میں جو اپنے ڈائریکٹر ہیں حسین صاحب, اسے 8 مہینے چکر لگانے پڑے دفتروں کے. ایک اف یو ڈونٹ ہیو اے پش, اگر آپ کے پاس کوئی بیکنگ نہیں ہے ادھر پولیٹیکل اور کوئی اس کو کہیں کہ ریفرنس ہے اور یو آر دا منی پرسن, اگر آپ کے پاس بڑا اچھا خاصا بینک بیلنس ہے, بڑا بزنس ہے, تو ایوری بڈی ول ویلکم یو. لیٹس ہوپ فور دا بیسٹ, ہمیں تو امید ہے کہ اچھا ہو. ابھی وہاں پہ گورنر صاحب ہیں ہمارے, اور ان سے بھی اپروچ کر رہے ہیں کہ جو وہاں پہ فلم فیسٹیول ہو رہے ہیں انہوں نے کافی سپورٹ کیا ہے وہاں پہ, امید ہے کہ اچھا ہو ہمارے لیے. دیٹس دا بیسٹ پارٹ. سر, بیسری کو جس طرح کا ریسپانس ملا اس سے کتنے خوش ہیں آپ, اور کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں فینس کو؟ کیسری ایک بہت بڑی فلم تھی میرے لیے, بیکاز وہ دھرما کی, اور میں نے اس میں مین لیڈ نگیٹو پلے کیا ہے, اور بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے اسپیشلی فرام دا پنجاب سیکٹر ورلڈ وائڈ, اور آن لائن کافی سارے لوگ سراہ رہے ہیں میرے کریکٹر کو, کیونکہ ویلن ہوتے ہوئے بھی میرا کریکٹر پازیٹیو تھا اس فلم میں. سو دیٹ واز دا بیسٹ پارٹ اباؤٹ دا فلم, اور پلئنگ مین لیڈ ان دھرما پروڈکشنز فلم, اور اکشے کمار صاحب کے ساتھ دوسری فلم تھی میری, تو اٹ واز اے ونڈرفل اپارچونیٹی, اور اس کے اس وجہ سے کافی دروازے کھلے, کافی اپروچ ہو رہا ہے, بڑی بڑی فلمیں ابھی بات چل رہی ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, فنگرز کراسڈ. سر, آپ کا
सर आपने अक्षय सर के साथ काम किया है, तो अभी थोड़े दिन पहले रोहित शेट्टी के साथ वो एक फिल्म कर रहे सूर्यवंशी जी, और इंशाल्लाह के बीच में क्लैश था तो उन्होंने फिल्म को पीछे ले मतलब पहले प्रीपोन किया, तो रोहित शेट्टी को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो एक्टर्स को डायरेक्टर्स को ट्रोल किया जाता है? ट्रोलर्स का काम है ट्रोलिंग करना, एक्टर्स का काम है एक्टिंग करना, हम अपना काम करते रहेंगे वो अपना काम करते रहें, दैट इज अ गुड जनरल जस्टर फ्रॉम एक्चुअली सलमान खान का मुझे ट्वीट याद है कि लाइक ही सेड लाइक रोहित शेट्टी इज अ ब्रदर, उसने अपना फिल्म को क्लैश किए बिना ही अपनी फिल्म आगे लाई, जो कि आई थिंक सलमान का बर्थडे है वो 27th of March, विच इज़ अ गुड विल जस्टर, बिकॉज ये छोटी सी इंडस्ट्री है, चाहे हम कितने भी डिफरेंसेस पाल के रखे हैं कहीं ना कहीं ये गिने चुने लोग ही हैं जो आप अगर काउंट करते रहें प्रोडक्शन हाउसेस से लेके बड़े एक्टर्स से लेके छोटे एक्टर्स तक भी, यू कैन थिंग काउंट बिकॉज आप जर्नलिस्ट हैं, आप सबको जानते ही होंगे जितने भी सारे लोग हैं, यू नो हु आर द राइट पीपल हु आर नॉट द राइट पीपल, और ये अच्छा जस्टर है अगर उन्होंने अपनी फिल्म आगे की है, तो ट्रोलर्स अपना काम करते रहें, एक्टर्स अपना काम करते रहें, फिल्म मेकर्स अपना काम करते रहें, कारवां चलता रहेगा ऐसा।